फन व्लॉग विद आई। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज है 1 अक्टूबर और आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। तो अभी मॉर्निंग हो चुकी है और हमने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है और एरिक की आज छुट्टी है। छुट्टी नहीं, मीन्स उसने कर ली है। तो अभी देखती हूँ क्या कर रहे हैं। तो चलते हैं, देखते क्या कर रहे हो। ये रे। हेलो। एक नंगू आपको दिखाती हूँ। ये रहा। हेलो। देख सकते हो आप इनकी मस्ती। तो थोड़ी देर से मिलते हैं। अभी इनको मैं नहा देती हूँ, बच्चों को। मिलते हैं आपको। A few moments later. It's very good evening. तो गुड इवनिंग हो चुकी है। हमने चाय भी पी ली है और एरिक अभी बनाना पी रहा है ना। और एविन क्या कर रहा है? एविन भी बनाना खा रहा है। एविन फोन में बोलता है। तो अभी हम क्या करेंगे? एरिक की मम्मा का बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे, है ना? तो अभी डेकोरेशन करते गाइस। A few moments later. एरिक केक ले रहे हैं गाइस। अभी हम ये अच्छा लग रहा है। एविन देखो, चाची का केक भी आ गया। अभी दिखाते हैं, ठीक है? चलो इसको रख दूं। अभी बलून है, ये बलून है इसमें। ओए ओए लड्डू कर रहे हैं। तो गाइस हमारा केक भी आ चुका है। अभी हम लेके आए एरिक के पापा के साथ। तो चलो प्रिपरेशन करते हैं बर्थडे की। और मिठाई भी लेके आए और एरिक अपनी बूंदी लेके आए, उसकी काफी फेवरेट है। तो वही चलते हैं डेकोरेशन करने। सारी प्रिपरेशन हो चुकी है, हमारा केक भी आ चुका है, मिठाई का डब्बा भी आ चुका है और बच्चे भी आ रखे हैं दोनों। और हमारी डेकोरेशन भी हो चुकी है और एक बैलून उतर गया है। तो अभी कोई बात नहीं, उसे हम एडजस्ट लगा देंगे। केक में हमने लिखवाया है छोटी बहू। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं डिनर करने बाहर, एरिक और एरिक के पापा और मैं। तो अभी डिसाइड हो रहा है कि कहाँ जाना है। लेट्स सी, देखते हैं, फिर आपसे भी शेयर करते हैं हम कहाँ गए मेरे बर्थडे पे। हमारा डिसाइड हो चुका है, हम जा रहे हैं नीलकंठ। ये लड्डू, क्योंकि नीलकंठ का काफी अच्छा फूड है तो हम वहाँ जा रहे हैं। हम पहले भी जा चुके हैं ना एरिक एविन और के साथ। तो अभी हम वहाँ जा रहे हैं। तो लेट्स गो। बोलो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं और हमने अपनी कार पार्क कर दी है यहाँ पर। तो चले Thank you.
मेन्यू भी देख लेते हैं। तो ये है नीलकंठ स्टार ढाबा का मेन्यू। तो गाइस जब भी ऑर्डर करते हैं फिर आपसे मिलते थोड़ी देर। तो यहाँ भी लड्डू ने कोक मंगवाई है ना, वो एरिक की फेवरेट कोक। तो अभी एरिक और मैं फूड की वेट कर रहे हैं, तो हमने मंगवाई है थाली और हक्का नूडल्स। तो अभी आने वाले, मेरे को दिखाओ, मेरे को दिखाओ। तो फ्रेंड्स हमारी थाली आ चुकी है, लड्डू हमारा फूड आ चुका। हमने खाना फिनिश कर लिया है सारा कुछ और एरिक की जिद नहीं पूरी हो रही है, आपको पता ही गाइस बच्चे बाहर जिद करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने डिनर कर लिया है और अब हम जा रहे हैं घर, और यहाँ का फूड काफ़ी यम्मी था। तो आप अपनी फैमिली को लेके यहाँ आ सकते हो, नीलकंठ स्टार ढाबा जो कि करनाल। तो गाइस हम रेस्टोरेंट से बाहर आ चुके हैं और अभी हम थोड़ा फोटो शूट करेंगे। तो फ्रेंड्स अभी यार एक कार में बैठे हैं, टॉय कार। करवाते हैं थोड़ा सा फोटो शूट, फिर चलते हैं घर क्योंकि काफ़ी रात हो चुकी है। तो इसीलिए आप देख सकते हैं कितना प्यारा व्यू है यहाँ पर, सेल्फी के लिए यहाँ स्टैचू रख रखा है। चलते हैं सेल्फी पॉइंट। सेल्फी भी ले ली सेल्फी पॉइंट में, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था यहाँ का। तो अभी हम जा रहे हैं घर। हम अपनी गाड़ी में बैठ चुके हैं फ्रेंड्स और अब चल रहे हैं घर। कैसा लगा अरे आपको फूड यहाँ का? अच्छा, बहुत अच्छा ना। तो फ्रेंड्स ये जो ढाबा है नीलकंठ स्टार ढाबा, ये है जो हाईवे है उस पर है। तो आप अपने फैमिली के साथ आ सकते हो और काफ़ी अच्छा फूड है यहाँ का, टेस्ट भी अच्छा है काफ़ी। दिल्ली टू चंडीगढ़ हाईवे पे है जो ही, तो हमारा करनाल से पास पड़ता है तो इसलिए हम यहाँ पर आते हैं क्योंकि काफ़ी अच्छा टेस्ट है इसलिए। तो आज का बर्थडे मेरा बहुत ही स्पेशल रहा, अच्छा रहा। तो थैंक यू हबू, थैंक यू लड्डू। अभी एरिक के पापा लेने गए हैं आइसक्रीम क्योंकि आज हम जा रहे हैं आरू अनु के घर सोने, क्योंकि आरू अनु के पापा गए हुए हैं बैंकॉक, ठीक है, बिजनेस ट्रिप में। तो हम उनके घर सोने जा रहे हैं, है ना। और आरू तो है एरिक का फेवरेट भाई और फेवरेट दीदी, मानू दीदी है ना। तो चलिए उनके लिए आइसक्रीम लेके चलते हैं घर। हमने आरुवानों के लिए चिप्स के पैकेट ले लिए और आइसक्रीम ले ली है, तो चलते हैं अब उनके घर। तो ये आरु और ये वानू स्कूल में जा रही थी मैम के पास, ऐसे कि मैं वॉशरूम था तो मेरे आदत है आई गॉट बन के ऐसे करने की। ये रहे मेरा। तो हम गाइस आरो अनु के लिए चाउमीन और चिप्स लेके आए थे, छोटी सी पार्टी है बाद में भी हो जाएगा क्योंकि ये घर नहीं आया था, हम इनके लिए यहीं ले आए थे। आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो अब रात हो चुकी है तो मैं अपना व्लॉग यहीं एंड कर रही हूँ। तो अगर आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।